रास्ता थोड़ा सा खराब है, बट सो हेलो एंड वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। आज का ये जो व्लॉग है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज हम सभी लोग घूमने जा रहे हैं नगरई का पुल, जो कि कासगंज के पास है, जिसको कि मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया था जब मैं कासगंज की ट्रिप पे आया था, और मैंने आप लोगों को कहा था कि उसको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। तो आज हम उसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, वहाँ का क्लोजर लुक मैं आपको दिखाऊंगा, और क्या वहाँ पर खासियत है, क्या खास बात है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो ये व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। ये हमारी कार और अब हम चलेंगे। देखिए ये पतला सा रास्ता यहाँ पे जा रहा है, अभी इसके थ्रू हम आगे जाएंगे, और आगे जाकर के यहाँ की जो खास बात है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि नदियाँ जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर कैसे चल रही हैं, वो थोड़ा देखने वाली बात है। तो क्लोजर लुक में आपको वहाँ चल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम करेंगे अपनी गाड़ी को पार्क, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा क्लोजर लुक। चलिए चलते। सो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। ये रहा मरियानुस, मरियानुस हाय कर दो। ये रही नैंसी, और अभी ये देखिए ये है पूरी की पूरी नदी। और अभी आगे चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ इसका क्लोजर लुक, जो नदी ऊपर नीचे चल रही है वो दिखाऊंगा। चलिए चलते हैं। देखिए काफी दूर तक ये जो है नदी जा रही है। सो गाइस ये एक टूरिस्ट स्पॉट भी है, यहाँ पर ज्यादातर लोग जो है वो अपने फेस्टिवल्स वगैरह पे घूमने भी आते हैं, और यही एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल फील आता है। ये देखिए ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ सुरंग टाइप की होती थी पहले के जमाने में, ये ब्रिटिश टाइम का है। ये देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो ये सीढ़ियाँ जा रही हैं, और ये काफ़ी अंदर तक जा रही हैं। आप देखो डार्क है इसके अंदर, है ना। तो यहाँ पर पुराने ज़माने में जाया जाता था, और यहाँ से जब मैं बाहर आ जाऊँगा तो ये देखिए ये इस सुरंग से उस तरफ जाने के लिए रास्ता हुआ करता था अंडरग्राउंड, जो कि नदी को क्रॉस करने के लिए बनाया गया था। तो चलिए आगे चलते हैं। और इस तरीके की कई सारी सुरंगें बनी हुई हैं, आप देख रहे होंगे आगे, आपको दिख रही हैं। और ये एक रास्ता भी है आगे जाने के लिए। ये देखिए नीचे कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है, और ये देखिए ग्रीनरी ग्रीनरी, वो नदी है जो मैं आपको दिखाऊंगा इसके नीचे से जा रही है। ये देखिए ये देखिए यहाँ पर इसी नदी से खेत में पानी भी लगाया जा रहा है, आप देख सकते हैं ये मशीन लगी हुई है। तो भाई ये देखिए ये वो नदी है, ये इस पुल के नीचे चल रही है, और ये देखिए काफी दूर तक ही नदी जा रही है। तो ये देखिए कुछ लोग घूमने भी आए हैं यहाँ पर, और ये रही ऊपर वाली नदी। तो आप देखिए ये ऊपर और ये नीचे, है ना कमाल की चीज। ये देखिए ये है वो नदी, और एक 360 एंगल का मैं आपको दिखाऊंगा, ये रही वो दूसरी नदी। सो कितनी अमेजिंग चीज है ये।
चलिए अब हम जाएंगे उस तरफ जहाँ पर आप देख रहे हैं गाड़ियाँ भी चल रही हैं, उस तरफ जाएंगे और थोड़ा सा वहाँ का नज़ारा आपको दिखाएंगे, वहाँ से इस तरफ का नज़ारा आपको दिखाएंगे कि कैसा लगता है। चलिए चलते हैं। अब हम आ चुके हैं दूसरी साइड, जो मैंने आपको दिखाया था उधर की साइड, उसके अपोजिट साइड में हम आ चुके हैं। अब इधर वाली जो सुरंग है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर वो देखिए वो वाला मैंने आपको पहले दिखाया था, अगर उस साइड से आएंगे तो हम इस तरफ यहाँ से निकल के आ सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आइसक्रीम आ चुकी है, अभी हम लोग अमूल आइसक्रीम खाएंगे। इसी खोल रही है आइसक्रीम, ये देखो अब हम इसके मज़े लेंगे अभी। वाओ, अब ये देखिए मैं साइड से आपको इसका पूरा व्यू दिखाऊंगा, नीचे जा करके कुछ इस तरीके से लगता है ये, कुछ ऐसा कच्चा रास्ता है, यहाँ से मैं जा रहा हूँ अभी नीचे। कुछ इस तरीके का है व्यू। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरी तरफ, रास्ता थोड़ा सा खराब है बट आगे चलेंगे और आपको और भी कुछ दिखाएंगे। और यहाँ पर कुछ इस तरीके का व्यू है, ये देखिए यहाँ पर लोग फोटोग्राफी भी करते हैं, इस पर उतर करके फोटोज भी लेने जाते हैं लोग। और ये देखिए आगे हम आ चुके हैं वही नदी के नज़दीक। सो गाइज मेरे पीछे आप ये जो ब्रिज देख रहे हैं ये नदरई के पुल के नाम से जाना जाता है, इसको झाल के ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। और ये बेसिकली इसका कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट हुआ था वो 1885 में स्टार्ट हुआ था। पहले यहाँ पर एक छोटा ब्रिज हुआ करता था बट ब्रिटिश टाइम में इसको तोड़ करके इसका रेनोवेशन किया गया, 4 साल लगे इसको बनने में और 1889 में इसका फाइनल वर्जन तैयार हुआ। और तब से अब तक इसको लगभग 131 साल हो चुके हैं। और बेसिकली जो इसके कंस्ट्रक्शन करने वाले थे वो थे आयरलैंड से। आज भी वहाँ पर उनकी जो स्टडीज हैं आर्किटेक्चर की उसमें आज भी वहाँ पर इसके बारे में बताया जाता है। तो दिस इज़ वन ऑफ दोज एग्जांपल्स और हमारे लिए बहुत अच्छी प्राउड की बात है कि ये इंडिया के अंदर है और मेरे नेटिव प्लेस में। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।